आप सब अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज से हम अपनी 10th क्लास की कंप्यूटर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, वीडियो देखने से पहले बता दूं कि वीडियो में से देख के कुछ भी नहीं लिखना है। वीडियो सिर्फ देखने और समझने के लिए है। फिर से रिपीट करता हूं, वीडियो में से देख के कुछ भी नहीं लिखना है। कॉपी में जो भी लिखना होगा वो नोट्स अलग से ग्रुप पे भेजूंगा, उसमें से लिखना है। वीडियो सिर्फ देखने और समझने के लिए है। कॉपी में लिखने के लिए नोट्स ग्रुप पे भेजूंगा। साथ साथ जैसा नोट्स में होगा सेम वैसा लिखना है। वीडियो में थ्योरी भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे हो तो प्रैक्टिकल नहीं समझ पाओगे। वीडियो में ही प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और थ्योरी भी समझेंगे। तो चलो करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो ये रहा बच्चों आपके सामने सिलेबस। सभी ध्यान से देखें कि अप्रैल महीने में हमको एमएस वर्ड करना है। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड हमने बहुत अच्छे से 9th क्लास में भी किया है, उसके सभी प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। 10th में हम एमएस वर्ड के कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है रिवीजन ऑफ 9th क्लास। तो देखो यहाँ पे, देखो सभी, ये देखो रिवीजन ऑफ क्लास 9th। तो 9th का रिवीजन कहाँ से करना है? जो हम 9th क्लास की कॉपी से कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक और नया टॉपिक है इंसर्टिंग हेडर्स। सभी पढ़ो यहाँ वीडियो में, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। यानी कि एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम हेडर और फुटर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। समझ गए पहला टॉपिक? अब चलते हैं इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर की थ्योरी पे, यानी कि नोट्स पे चलते हैं। अभी वीडियो में जो नोट्स दिख रहे हैं इनको देख के लिखने मत लग जाना, नोट्स अलग से भेजूंगा, यहां सिर्फ समझो। तो अपनी कॉपी में सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखने हैं। ऊपर देखो, यूनिट फर्स्ट अप्रैल महीने की, और चैप्टर नेम है हमारा एमएस वर्ड। पहला टॉपिक है हेडर एंड फुटर। तो सबसे पहले देखते हैं हेडर क्या होता है। ये देखो यहां पे है, द हेडर इज ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपियर्स इन द टॉप मार्जिन। यानी कि ये बोल रहा है कि हेडर जो है एक डॉक्यूमेंट का वो सेक्शन है या फिर एक पेज का वो भाग है जो कि हमको कहाँ पे अपियर होता है, कहाँ दिखता है, टॉप मार्जिन के अंदर। मार्जिन क्या होता है? जैसे हमारा कोई भी पेज है तो उसके चारों तरफ जो जगह छूट जाती है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो हम ऊपर भी जगह छोड़ते हैं, नीचे भी छोड़ते हैं, दाएं भी छोड़ते हैं और बाएं भी छोड़ते हैं, तो उस खाली जगह को मार्जिन बोलते हैं। तो हेडर क्या हो गया? वो सेक्शन उस डॉक्यूमेंट का जो कि हमें टॉप मार्जिन पे दिखेगा, टॉप मार्जिन के अंदर जो चीज़ दिखेगी वो हेडर है। क्योंकि जैसे हेड होता है वो भी तो ऊपर होता है ना सबसे हमारे, तो हेडर जो टॉप मार्जिन के अंदर होगा। सेम डेफिनेशन फुटर की है। फुटर क्या होता है? द फुटर इज ए सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपियर्स इन द बॉटम मार्जिन। यानी कि फुटर क्या है? डॉक्यूमेंट का वह सेक्शन जो कि हमको कहाँ दिखेगा? बॉटम मार्जिन के अंदर, यानी कि नीचे, पेज के नीचे। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या बताया है? फिर ये बताएगा कि हेडर और फुटर में हम जनरली अमूमन क्या क्या लिखते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज डॉक्यूमेंट नेम, उस डॉक्यूमेंट का नाम डाल सकते हैं हम ऊपर नीचे कहीं भी, डेट लिखनी हो, पेज नंबर, ऑथर नेम, ऑथर नेम होता है राइटर नेम, चैप्टर नेम डालना हो, यूनिट नंबर डालना हो, एटसेट्रा। अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, यानी कि हम कैसे कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब पे। कौन से ग्रुप में जाना है? फिर हेडर एंड फुटर ग्रुप। फिर थर्ड स्टेप पे आ जाओ, कमांड कौन सी है? हेडर और फुटर कमांड।
स्टेप्स देखते हैं, हम जो स्टेप्स देख रहे थे, इंसर्ट टैब में जाना है, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना है, और फिर कमांड कौन सी है, हेडर डालना है तो हेडर सेलेक्ट कर लेंगे और फुटर डालना है तो फुटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद सबसे पहले पहले तीन स्टेप करके देखते हैं। इसको मिनिमाइज करेंगे, यहाँ से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल देखते हैं जिसमें कुछ थोड़ा बहुत कुछ लिखा हो। तो मेरे पास ये फाइल पड़ी है एक, ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल पड़ी है मेरे पास। तो पहला स्टेप था कहाँ पे जाएंगे, सभी इस कर्सर को देखते रहना ब्लैक वाला। सबसे पहले कौन सी टैब बताई थी बताओ, इंसर्ट टैब। ग्रुप कौन सा बताया था, हेडर एंड फुटर ग्रुप। उसके बाद लिखा था कि हेडर के लिए हेडर कमांड, फुटर के लिए फुटर कमांड। तो हेडर पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, फिर ये आ जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि अपने हेडर की, जो हेडर ऊपर वाली मार्जिन के अंदर शो होगा, उसकी पोजीशन और डिज़ाइन चुनिए। तो हम सबसे पहले ये सिंपल वाला डिज़ाइन देखते हैं जिसमें कि हेडर कहाँ होगा, ऊपर वाली मार्जिन में तो होगा ही होगा, हेडर हमेशा ऊपर वाली मार्जिन में ही होता है। तो ऊपर की साइड लेफ्ट कॉर्नर में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, बैक स्पेस की दबाएंगे ताकि जो ये टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मिट जाए। बैक स्पेस दबा दिया और हेडर में जो भी तुमको लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट फर्स्ट। उसके बाद लिखने के बाद ऊपर कर्सर देखो क्या करना है, क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक। अब देखो ये अपीयर हो गया, कहाँ पे है ये, ऊपर वाली मार्जिन में। मार्जिन क्या होती है, जो जगह चारों तरफ होती है। जैसे ये टॉप मार्जिन होगी, इस साइड लेफ्ट मार्जिन होगी, और राइट में जाएंगे तो ये राइट मार्जिन होगी, इसी तरह बॉटम मार्जिन होगी। अब तो जितने पेज होंगे सभी पे हमारा हेडर लग गया। अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं सभी पेजेस पे लगाया है या नहीं। ये सेकंड पेजेस पे देख लो, सेकंड पेज पे देखो यहाँ पे भी आ गया ये रहा, ये देखो तो हेडर हमारा लग गया। इसी तरह फुटर भी लगा के देखेंगे। तो पहले पेज पे वापस चलते हैं, फुटर भी कैसे लगाएंगे, इंसर्ट टैब, हेडर एंड फुटर ग्रुप, और अब की बार है कमांड फुटर। फुटर पे लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद पोजीशन सेम वही पोजीशन ले ली, फुटर हमेशा नीचे होगा तो ये कहाँ पे आएगा, फुटर लिखा हुआ नीचे वाली मार्जिन में लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट क्लिक कर दो इस पे। उसी तरह बैक स्पेस दबाओ दोबारा और यहाँ पे लिखो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर हमने यूनिट फर्स्ट लिखी थी, हम यहाँ यूनिट का नाम लिख देते हैं MS वर्ड, और फिर उसी तरह ऊपर जाके क्लोज हेडर एंड फुटर। अब देखते हैं, तो देखो ये तो पहले से ही हमने बनाया हुआ था, यूनिट फर्स्ट हेडर हो गया। अब देखते हैं हमारा फुटर भी आ गया है या नहीं आ गया है। तो हम नीचे जाएंगे इस पेज पे, ये देखो MS वर्ड आ गया लिखा हुआ, तो ये क्या है, फुटर। अब अगले पेज पे यूनिट फर्स्ट हेडर आ गया लिखा हुआ ऊपर सबसे, और सबसे नीचे जाएंगे तो मिलेगा आपको फुटर। अब देखो ये एक तीसरा पेज भी खाली था, तो इस पे भी ऊपर हेडर आ गया है और नीचे फुटर आ गया है। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल था हेडर एंड फुटर का। किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लें, दोबारा से देख लें। लिखेंगे कहाँ से, अभी साथ साथ में नोट्स आगे होंगे ग्रुप पे, उसमें से देख के लिखने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।